Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with another DIY video. कुछ दिन पहले मैंने एक बॉटल आर्ट का सेट बनाया था और उसमें मैंने नीचे एक मैट यूज़ की थी, तो बहुत सारे DMs आए कि वो मैट आपने कहाँ से ली थी। तो गाइज, वो मैट मैंने कहीं से नहीं ली थी, वो मैट मैंने बनाई है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ वो ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में वो मैट का ट्यूटोरियल मैं बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो थ्रेड्स लगेंगे। यहाँ पे मैं मैक्राम थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मैक्राम थ्रेड नहीं है तो आप जो कॉटन के थ्रेड्स आते हैं, कॉटन मैक्राम थ्रेड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले जो थ्रेड है वो नाइलॉन के मैक्राम थ्रेड है। तो मुझे एक्चुअली ग्रे कलर और एक कलर, ऐसे दो कलर चाहिए थे, बट जो नाइलॉन के मैक्राम थ्रेड्स आते हैं उसमें ग्रे कलर नहीं आता, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट थ्रेड था वो मैंने परचेस कर लिया, वो शॉप में था अवेलेबल। तो सबसे पहले आपको जो भी थ्रेड आप यूज़ कर रहे हो वो आपको तीन थ्रेड्स चाहिए, मतलब तीन आपको कट कर लेने हैं। आप लेंथ कुछ भी लो, 1 मीटर, 2 मीटर, कोई भी लेंथ ले लो, बट सिमिलर तीन थ्रेड्स आप कट करो और उसके बाद एक नॉट बांध के उसको पैक कर लो और फिर इस तरह से उसको एक एक नॉट बांधो, लाइक जैसे हम हेयर टाई करते हैं वैसे। तो ऐसे मैंने पूरा बना लिया है वो, और ख़त्म जब होगा आपका तब आप कोई भी पिन से उसको पैक कर दो ताकि जो किया हुआ आपने वो निकलना चाहे। और फिर हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो जो नॉट थी वो हम ओपन करके वो भी एंड तक पूरा कर लेंगे। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको जो थ्रेड है वो आपको सेव करना है तो आप ये स्टेप कर सकते हो, या फिर आप ये स्टेप नहीं की तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम वहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से कट कर लेंगे। बट करो ये स्टेप, क्योंकि ये वाला जो थ्रेड है वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो और द पॉइंट इज़ कि अगर हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ का तो वेस्ट क्यों करें, राइट? तो इसको भी हम एंड तक कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा थ्रेड लेंगे, लाइक दूसरा कलर लेंगे। अब ये ग्रे कलर तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद मैं क्रीम कलर लूँगी। सेम हम क्रीम कलर को वही करेंगे जैसा हमने ग्रे कलर को किया था, ऐसे बहुत सारे बनाना है हमें, बहुत सारे। तो काफ़ी टाइम लगा था ये सब बनाने में कंप्लीट होते होते। उसके बाद हम एक्चुअल काम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था वहाँ पे पहले हमें ग्लू गन से ग्लू लगा लेना है, वेट करना है जब तक ग्लू सेटल नहीं होता, और एक बार सेटल हो जाए फिर उसके बाद हम उसको कट कर लेंगे। हमने ग्लू पहले इसलिए लगाया क्योंकि जो जब हम कट करेंगे उसके बाद थ्रेड्स निकल ना जाए, इसलिए सी वो थ्रेड्स नहीं निकल रहे। अब हम इसको इस तरह से राउंड 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 करते करते हम एक बड़ा सर्कल बनाने वाले। तो उसके लिए फिर मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिलिकॉन ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको हर गैप में लगाने वाले हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है आपका, वो थोड़ा आपको हार्ड जाएगा, अदरवाइज़ एक बार आप फ्लो में आ गए तो आपको इतना हार्ड नहीं जाएगा, वो फटाफट हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑलमोस्ट 7-8 राउंड करेंगे और फिर मैं इसको कट करने वाली हूँ। मैं कंटिन्यू इसी सेम कलर का नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम उसको कट कर लेंगे, बट कट करने से पहले आपको फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करनी है, मतलब पहले आपको ग्लू गन लगा के उसको पैक करना है और फिर हम उसको कट करेंगे और फिर हम चेंज कर लेंगे कलर। तो अब ये मैंने कलर चेंज किया है, अब इसके ऑलमोस्ट 10-12 राउंड्स मैं करूँगी। जो ये जो मैट है इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हम अगर आप डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डाइनिंग टेबल पे आपके बड़े प्लेट्स की जो साइज़ है उसके हिसाब से, या फिर आपको मिडिल प्लेट्स के लिए चाहिए तो आप उस हिसाब से कर सकते हो।
या फिर आप छोटे छोटे कोस्टर्स भी बना सकते हो, बहुत क्यूट लगते हैं वो कोस्टर्स भी। तो यहाँ पे मैंने फिर से कट किया और आउटलाइन मैं फिर से ग्रे कलर की करने वाली हूँ। तो उसके ऑलमोस्ट 2 या 3 राउंड्स आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, एज़ यू कैन सी ऑलमोस्ट 15 to 16 इंचेस का ये हो चुका है। और फिनिशिंग के लिए एंड में यहाँ पे मैं एक मोती ऐड कर रही हूँ। और ये जो है ये हमारी बैक साइड है मैट की, फ्रंट साइड में कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो आप जब भी कोई ग्लू यूज़ करोगे इस पर तो एक बात का ध्यान रखो कि आप एक ही साइड से यूज़ करो, मतलब जब आप साइड चेंज करोगे तब आपको फिनिशिंग अच्छी दिखेगी और जो भी वो जो भी ग्लू आप यूज़ करोगे उसका जो रेसिड्यू रहेगा वो कुछ भी फ्रंट साइड में नहीं दिखेगा और अच्छा फिनिशिंग आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये जो कलर था इसके 2 कर दिए हैं। बड़े प्लेट्स के लिए ये परफेक्ट है और बड़े डाइनिंग टेबल के लिए, लाइक 6 चेयर्स का जो डाइनिंग टेबल होता है। उसके बाद मैंने येलो कलर के 2 बनाए, एकदम लाइट येलो कलर यूज़ किया है यहाँ पे मैंने, सारे पेस्टल कलर्स चूज़ किए थे। और फिर मैंने पिंक, लाइट पिंक कलर भी 2 के लिए यूज़ किया। अगर आप चाहते हो आपको एक ही कलर में करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। इसमें जितने सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं उतने सारे डिज़ाइंस आप बना सकते हो, इतने सारे पैटर्न्स आप बना सकते हो। तो ये वाले जो थ्रेड्स हैं मैक्राम थ्रेड्स, मैंने बहुत सारे बॉटल्स में यूज़ किए हैं और बहुत लोगों को वो नहीं मिलते, आई डोंट नो उनके यहाँ पे लोकल मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है या पता नहीं क्या इशू है। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं यहाँ से आपको आपके लिए डिस्पैच कर दूँगी। और जो भी कलर्स आपको चाहिए वो भी आप मुझे बता देना इंस्टाग्राम पे। और ये कुछ ऐसा फाइनल लुक है इस मैट्स का, ये किचन डेकोर के लिए परफेक्ट है। या फिर आपको अगर कुछ डेकोरेटिव पीस रखना है, जैसे आपको बॉटल्स ही रखने हैं सपोज़ आपके लिविंग रूम में, तो आप उसके नीचे भी ऐसा रख सकते हो या फिर फ्लावर वास के नीचे भी कुछ इस तरह से बना के रख सकते हो। जैसे मैंने ये रखा हुआ था वो उसका साइज़ छोटी थी, उसके लिए मैंने 2 ही कलर यूज़ किए थे और वो जो सेट था उसके नीचे ये परफेक्ट लग रहा था। तो ऐसा आप कुछ बना सकते हो इस थ्रेड से। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो यू वोंट मिस एनी अपडेट्स। So see you in the next video. Till then, bye-bye.